नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और कुछ खास बातें आप सबके साथ करने के लिए, जिससे आपके मिशन भुगतान का कंप्लीशन हो सके, ये लड़ाई संपूर्णता प्राप्त कर सके, देश के करोड़ों नागरिकों का भुगतान हो सके, सबका कल्याण हो सके और हमारा पावन पवित्र हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सके। इसलिए तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आपके भुगतान का मार्ग मिलता रहे और आप निश्चिंत होकर अपने परिजनों के साथ सुख शांति पूर्वक प्रवास कर सकें। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि 2016 में जो पीएसीएल का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पीएसीएल कंपनी को सेबी अधिग्रहित करेगी, हिंदुस्तान के रिटायर्ड चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी पीएसीएल पल्स के निवेशकों का पैसा ब्याज समेत 6 महीने में वापस करेगी। वो 6 महीने दोस्तों कब के गुजर गए, 2024 शुरू हो चुका है, फरवरी खत्म होने के कगार पर है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वां साल लग गया है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, और 9 साल के इस लंबे अंतराल में जस्टिस आरएम लोढ़ा की कमेटी सेबी से बमुश्किल 20-21 लाख लोगों का पैसा दिलवा सकी है, वो भी किसी को 100, किसी को 500, किसी को 200, किसी किसी को 19,000 तक। लेकिन दोस्तों करोड़ों की तादाद में आज भी ऐसे निवेशक हैं पीएसीएल के जिनका 5,000 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है, 2,000 का भी नहीं हुआ है, ये वास्तविकता है। ऐसे साथियों को जिनका 1 रुपए से लेकर 19,000 रुपए तक का कोई जमा था पीएसीएल में, उनके लिए आरएम लोढ़ा कमेटी ने एक नई डेट तय कर दी है कि वो अपने आवेदनों में जो त्रुटियां रह गई हैं दूर करवा लें और अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करके अपना पैसा प्राप्त कर लें। और ये तारीख है 14 मार्च 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक। इस दौर में आप अपने आवेदनों में आई हुई त्रुटियों को दूर करवा कर अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। 1 रुपए से लेकर के अगर 19,000 रुपए तक का आपका भुगतान है तो उससे ज्यादा वालों को फिर इंतजार करना पड़ेगा, लंबा समय लगता है इस इंतजार में। लेकिन ये जो तेजी थोड़ी बहुत आप देख रहे हैं वो भी केवल इसलिए हो पा रही है कि व्हाट्सएप 2019 की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है देश भर की, वो सब लगातार सेबी को पत्र भेज रही हैं और लगातार निवेशक जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी इस कार्यक्रम में तेजी दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि आम चुनाव के समय यह होता ही है, तो उसको भी एक कारण माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 की तरफ नहीं लौटे, आपने इसका प्रयोग नहीं किया, तो 9 साल तो क्या, 900 साल में भी जस्टिस आरएम लोढ़ा या सेबी
आप सबका भुगतान नहीं कर पाएंगे। अगर आप सबको अपना भुगतान चाहिए, संपूर्ण भुगतान चाहिए, अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मैं ब्याज के हर्जे खर्चों के चाहिए, 180 दिन में चाहिए, तो आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देश में आम चुनाव भी है, उसको एक कारण मान सकते हैं आप, लेकिन कानून का किसी चुनाव नाव से लेना देना नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जब कोई कानून बन जाता है, परमानेंट एक्ट बन जाता है, तो उसका किसी चुनाव से या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं रहता। कानून चुनाव के दौरान भी अपना काम करता रहता है, इसलिए चुनाव के हो हल्ले को ज्यादा महत्व ना देकर के तमाम साथी अपना अपना भुगतान का दावा अपने अपने नजदीकी सक्षम अधिकारी व्हाट्सएप 2019 के यहाँ जरूर करें, ताकि आप सबका भुगतान सरलता से हो सके। दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, और भी बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनते रहेंगे दोस्तों। साथियों, विभाजन, पलायन, विपन्नता और अस्पृश्यता, चार संसार की ऐसी पीड़ाएं हैं, ऐसा दुख है जो बहुत गंभीर चोट पहुंचाते हैं, लेकिन एक सत्य यह भी है कि इन चारों पीड़ाओं को अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपना हथियार बना लेता है, तो उस राष्ट्र का, उस समाज का, उस व्यक्ति का, उस परिवार का नव निर्माण हो जाता है। और इस पीड़ा को हथियार बनाकर आज तक जिसने भी लड़ाई लड़ी है व्यवस्था से, वो महान कहलाया है युगों युगों तक, और ये परंपरा अनवरत चलती रही है। कोई भी व्यक्ति इस नवनिर्माण की प्रक्रिया को रोक नहीं सकता, न रोक पाया है, भविष्य में भी नहीं रोक पाएगा, ये चलती रहेगी। ये जो पीड़ा आपको मिली है, यानी देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को विभाजन की, पलायन की, विपन्नता की और अछूतों जैसी, आप सब अछूत बन गए हो समाज में, ये ध्यान रखना। तो इस पीड़ा को आप सबको हथियार बनाना है राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, अपने भुगतान के लिए, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित आप सबको ही करना है दोस्तों। ये होगा, इस पीड़ा को केवल हथियार बनाने की जरूरत है, और इस पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की जरूरत है। अलग अलग अगर आप लड़ते रहे तो कभी भी इस पीड़ा को अपना हथियार नहीं बना पाएंगे, अपना भुगतान नहीं ले पाएंगे, और राष्ट्र को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना तो फिर दूर की बात है, वो तो आप कर ही नहीं सकोगे। लेकिन अगर आपने सामूहिक स्वर दे दिए अपनी इस पीड़ा को, अलग अलग की को, आप PACL पल्स के विक्टिम हैं, आप सहारा इंडिया समूह के हैं, आप KBCL के हैं, आप कर्म भूमि के हैं, आप आदर्श के हैं, आप समृद्धा के हैं, आप साईं प्रसाद के हैं, साईं प्रकाश के हैं, आप रोज वैली के हैं, पिंकॉन के हैं, समर्थ के हैं, ड्यूवेल के हैं, कैलकॉम के हैं, गरिमा के हैं, मैत्रेय के हैं, या फिर JKB वगैरह वगैरह के, इस पीड़ा को आपको भूलना पड़ेगा। ये जो व्यक्तिगत पीड़ा है आपकी दोस्तों, इसको सबकी पीड़ा के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा है, और जब 42 करोड़ लोगों की पीड़ा एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और इसको आप सामूहिक रूप से व्यक्त करेंगे, तो शासन, प्रशासन, व्यवस्था, ठग, सब आपकी पीड़ा का इनको बाकायदा एक परिचय पत्र में इश्यू करूंगा, स्वयं दिल्ली से ही बनेगा, आपको 11 मार्च से पहले पहले वो मिल जाएगा। वो सब अपने नाम, अपनी पहचान का कोई सबूत मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, भेज देंगे। मैंने ग्रुप बना दिया है उसके लिए अलग से, उसमें जोड़ते जा रहे हैं, कंडीशंस हैं उसमें, हर किसी को नहीं जोड़ा जा सकता, जो कंडीशंस फॉलो करेगा उनको सबको जोड़ लेंगे। और एक सफल आयोजन के लिए मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं, और अनुरोध करता हूं आप सभी भयमुक्त, तनाव रहित होकर के 12 मार्च 2024 को
दिल्ली पधारें ताकि आपका, आपके अपनों का, सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। और रात को 9 बजे मैं, फेसबुक आईडी है मेरी मदन लाल आजाद, उसको फॉलो कर लेना, मिलता हूँ, उसका भी लिंक दे देता हूँ, फेसबुक पर लाइव होता हूँ आज, 1-2 घंटे आपके साथ लगातार चर्चा करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा, पूरी योजना समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ से आपका भुगतान होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत को हल्के में मत लो, आप लोग तनावग्रस्त बहुत हो गए हो, समस्या ये है, आपके पास संसाधन नहीं है, उत्साह नहीं है, जो मौलिक चीजें हैं किसी लड़ाई को जीतने की, अपने पैसे को प्राप्त करने की, आप उनको भी दूर भगा रहे हो। इस युग में सोशल मीडिया से बड़ी ताकत कोई नहीं है, मेन स्ट्रीम का मीडिया आपको सहयोग नहीं करेगा क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं है। पहली बात तो मेन स्ट्रीम का मीडिया संचालित ही ठग करते हैं, तमाम ठगों के ही हैं वो। दूसरा, अगर ठगों को खरीद भी लो तो उसके लिए आपके पास संसाधन नहीं है, तो वो संसाधन भी नहीं है आपके पास, तो कम से कम जो बिना संसाधनों की चीज है, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन, इनका उपयोग आप करो, जमके करो, उदासीन मत रहो, बिल्कुल इतने उदासीन हो गए हो, इतना तनाव ले लिया है, आपको लगने लगा है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो चुका है, आप लड़ाई के अंतिम पायदान पर खड़े हो, जीत के मोर्चे पर खड़े हो, जैसे ही अगला कदम आप बढ़ाओगे आप जीत जाओगे, आपके पराजित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई आपको पराजित कर लेगा। आप जीत के मुहाने पर खड़े होकर अगर इस उदासीनता को, इस भय को अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकालोगे, बहकावे में आते रहोगे, तो निश्चित रूप से आप अपना धन खो बैठोगे और अपने जीवन के आनंदों से भी वंचित रह जाओगे। इसलिए साथियों, अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आइए, स्वागत है आप सबका, मिलता हूँ रात को 9 बजे फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद पर। जय हिंद, जय भारत।